नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की सियासत से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर और सुबह सुबह बड़ा भूचाल आया है बिहार की राजनीति में। जो होना तय था वो तकरीबन हो गया है। दरअसल जो खबर हम आपको देने जा रहे हैं उसकी भविष्यवाणी पहले से की जा रही थी। आरजेडी कोटे के एक मंत्री का विकेट गिर गया है, लेकिन बर्खास्त नहीं हुए हैं, मंत्रिमंडल से बाहर नहीं किए गए हैं, डिमोशन कह लीजिए या विभाग बदला गया है ऐसा भी कह लीजिए। शमीम अहमद अब बिहार के नए कानून मंत्री होंगे और बिहार के पुराने कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह अब गन्ना उद्योग विभाग के मंत्री होंगे। और मौजूदा वक्त में गन्ना उद्योग विभाग के जो मंत्री हैं वो बिहार के अगले कानून मंत्री होंगे। बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई इस वक्त ये बड़ी खबर मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से सामने आ रही है, बल्कि नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है इसको लेकर कि कार्तिकेय सिंह अब बिहार सरकार के विधि मंत्री नहीं रहेंगे। आप जानते हैं बिहार की राजनीति में कार्तिकेय सिंह को लेकर बवाल कब शुरू हुआ, जब उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली उसके अगले दिन ही यह खबर सामने आई कि दरअसल कार्तिकेय सिंह को तो अपहरण के एक मामले में कोर्ट में पेश होना था उसी दिन जिस दिन वो मंत्री पद की शपथ ले रहे थे, कोर्ट में बल्कि सरेंडर करना था, उन्होंने नहीं किया और इसके बाद उनके खिलाफ वारंट जारी हुआ। हालांकि बाद में कार्तिकेय सिंह ने भी इस खबर को खारिज किया और बाद में ये मामला भी सामने आया कि अपहरण का मामला तो है लेकिन कोर्ट ने उनको 1 सितंबर तक राहत दी हुई है। तो इस तरह की जानकारी सामने आती रही, लेकिन बीजेपी ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया, विपक्ष ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया और नीतीश कुमार निशाने पर रहे भारतीय जनता पार्टी के कि देखिए, नीतीश कुमार कहते हैं क्राइम करप्शन और कम्युनलिज्म से जीरो टॉलरेंस है, लेकिन जिनको कानून मंत्री बनाया है उन्हीं पर इस तरह के आरोप लगे हैं। तो अब ये तकरीबन तय माना जा रहा था कि कार्रवाई होगी, नीतीश कुमार कोई एक्शन ले सकते हैं, तो नीतीश कुमार ने एक्शन ले लिया है। बर्खास्तगी की बात सामने नहीं आई है, मंत्री पद से नहीं हटाया है, लेकिन विभाग बदल दिया गया है। अब कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह की जगह शमीम अहमद होंगे और कार्तिकेय सिंह जो कानून मंत्री थे वो गन्ना उद्योग विभाग के मंत्री होंगे, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। तो विपक्ष बीजेपी जिस चीज को लेकर हमलावर थी, नीतीश कुमार पर निशाना साध रही थी, शायद उस हमले का असर हुआ है या फिर यूं कहें कि नीतीश कुमार ने एक और उदाहरण पेश किया है। नीतीश कुमार अक्सर इस तरह के फैसले लेते रहे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद जब उन्होंने मेवालाल चौधरी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनको शिक्षा मंत्रालय का जिम्मा सौंपा, उनको शिक्षा मंत्री बनाया, उन पर आरोप लगे तो अगले कुछ ही दिनों में उनको हटा दिया, शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेवारी उनसे ले ली, बल्कि मंत्री पद से हटा दिया। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम जीतन राम मांझी जब बिहार सरकार में मंत्री बने, नीतीश कैबिनेट में मंत्री बने एक बार और उनके दागी होने की बात सामने आई तो कुछ ही घंटों के भीतर उन्हें हटा दिया। तो नीतीश कुमार इस तरह के फैसले लिए हैं और इन फैसलों की फेरिस्त में एक और फैसला, अब कार्तिकेय सिंह भी इस फैसले की जद में आ गए हैं या फिर उन पर जो आरोप लगे उसको लेकर एक्शन हुआ है। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।